हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जियोलॉजी का। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट द प्लांकटन्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बेंथोस के बारे में। तो यहाँ पर हम देखेंगे अबाउट द क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन एंड द टिपिकल एग्जाम्पल्स ऑफ दिज बेंथोस ऑर्गेनिजम्स। सो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में हम डिस्कस क्या कर रहे हैं इन वीडियोज़ में। तो ओशन कुछ इस तरीके का होता है, वी हैव द कॉन्टिनेंट एंड दिस इज़ द ओशन। ओशन की एक सरफेस होती है एंड उसमें ये वाटर भरा हुआ होता है। तो यहाँ के हमने ऑर्गेनिजम्स को जो भी इस ओशंस में मिलते हैं इनको हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले वो जो कि सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर हमको मिलते हैं, ओके, इनको हम बोलते हैं प्लांकटन्स, जो कि हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। देन दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सी फ्लोर पर मिलते हैं, ओके, ये सी फ्लोर पर रहते हैं और सी फ्लोर के आसपास ही घूमते रहते हैं। इनको हम बोलते हैं बेंथोस और बेंथिक ऑर्गेनिज्म, जो कि हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देन जो थर्ड टाइप होता है वो इन बिटवीन दीज टू होता है, प्लांकटन्स और बेंथोस के बीच में वाट एवर जो भी वाटर है ये इनके बीच में पाए जाते हैं, इनको हम बोलते हैं नेक्टॉन्स। तो जो भी ओशनिक ऑर्गेनिजम्स है इसको तीन भाग में डिवाइड किया जाता है, प्लांकटन्स जो कि सरफेस, नेक्टॉन्स जो कि वाटर कॉलम में मिलते हैं एंड देन बेंथोस जो कि हमारा ओशन सरफेस पर मिलते हैं, ओके। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी ऑन बेंथोस। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे नेक्टन्स और उसके बाद हम इन तीनों टाइप्स का एक क्विक रिवीजन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बाय द डेफिनेशन। ऑल ऑर्गेनिजम्स लिविंग और इनहेबिटिंग इन द बॉटम रीजन्स ऑफ एक्वेटिक एनवायरमेंट आर टर्म्ड एज बेंथोस। तो जो भी एक्वेटिक, जो भी वाटर वाला एनवायरनमेंट होगा उसकी सरफेस पर, उसके बॉटम सरफेस पर जो भी एनिमल्स या फिर जो भी प्लांट्स मिलते हैं उनको हम बोलेंगे बेंथोस, ओके। सो दिस इज़ द डेफिनेशन। नाउ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन इनका बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि समटाइम्स हम टर्मिनोलॉजी यूज़ कर देते हैं इनकी क्लासिफिकेशन की। तो बेस्ड ऑन लोकेशन, लोकेशन के बेसिस पर हम इनको तीन भाग में डिवाइड करते हैं, एंडोथर्मिक, एंडोबेंथिक, मीजोबेंथिक एंड एपिबेंथिक। नाउ जो एंडोबेंथिक होते हैं विच मूव्स विद इन द सेडिमेंट बाय डिस्प्लेसिंग ऑफ पार्टिकल्स। तो जैसा कि सेडिमेंटेशन होता है, ओशनिक फ्लोर में सेडिमेंट्स जमा होते हैं, तो ये जो एनिमल्स होते हैं ये इन सेडिमेंट्स को रिमूव करते जाते हैं और अपना पाथ फाइंड करते हैं। तो इस तरीके से डिस्प्लेसिंग, बाई डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल्स ये जो भी है वो मूव करते हैं। देन वी हैव द मीजोबेंथिक, मीजोबेंथिक विच आर मूविंग विद इन द इंटरस्टिशियल स्पेस। अब जो भी सेडिमेंट्स पार्टिकल्स वहाँ पर जमा हुए हैं तो कुछ एनिमल्स, कुछ बेंथोस ऐसे होते हैं जो कि उनके बीच के जो इंटरस्टिशियल स्पेस होते हैं, जैसा कि हम रॉक्स में कहते हैं वॉइड स्पेस, ऐसे ही उनके बीच में जो स्पेसेस होते हैं उन स्पेसेस के थ्रू ये मूवमेंट करते हैं। ये ना तो इनको पार्टिकल्स को अलग अलग करते हैं ना ही उनको डिस्प्लेस करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उनके बीच के स्पेस से मूव करते हैं। एज एन एग्जांपल वी हैव द सी कुकुम्बर, एंडोबेंथिक का एग्जांपल है सैंड डॉलर। नाउ थर्ड वन इज एपिबेंथिक, एपिबेंथिक वो होते हैं जो विच आर लिविंग एट द सेडिमेंट वाटर इंटरफेस। ये उस सरफेस पर रहते हैं जब सेडिमेंट्स और वाटर का जो कॉन्टैक्ट होता है वहाँ पर ये रहते हैं, ओके, अबव द सेडिमेंट भी हम इनको कह सकते हैं। एज एन एग्जाम्पल यू हैव द रॉक कॉड। सो इट इज़ द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लोकेशन। नाउ जो सेकेंड इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, इट इज़ बेस्ड ऑन मोबाइलिटी, कि वो एक्चुअल में मूव करते कैसे हैं और करते भी हैं या नहीं करते हैं। सो बेस्ड ऑन मोबाइलिटी यू हैव टू टाइप्स, सेसाइल बेंथोस एंड वैग्रेंट बेंथोस। तो सेसाइल बेंथोस क्या होते हैं, दे डू नॉट हैव एनी मोबाइलिटी एंड अटैच्ड विद सब स्टेटम। ये जो है सब स्टेटम से अटैच रहते हैं और इनमें कोई भी मोबाइलिटी नहीं होती है, ये मूव करते ही नहीं है, ओके। सो दे रिलाई ऑन करंट्स, जो भी वाटर करंट्स होता है ये केवल केवल उन पर रिलाई करते हैं कि वो जब भी वो करंट आएगा वो उनके लिए फूड लेकर के आएगा, ओके, और अदर मैकेनिज्म टू ब्रिंग फूड टू दैम। तो या तो करंट के थ्रू फूड आएगा या कोई भी अदर मैकेनिज्म है उनके थ्रू उनके पास फूड आएगा और वो कहीं पर भी मूव नहीं करते हैं। दीज आर द ससाइल बेंथोस। एज एन एग्जांपल यू हैव कोरल्स,
एंड सी ग्रासेस। देन यू हैव द वैगरेंट बेंथोस, दीज आर दोज दैट हैव लोकोमोटरी पावर्स एंड आइदर दे कैन मूव रैपिडली और स्लोली। तो ये जो होते हैं इनमें लोकोमोटरी सिस्टम होता है, ये एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अब इनका मूवमेंट स्लो भी हो सकता है और फास्ट भी हो सकता है। ठीक वैसे ही जैसे एनिमल्स में होता है, आप जानते हैं शेर चीता काफ़ी फास्ट मूव कर सकते हैं, ह्यूमंस उतने फास्ट मूव नहीं कर सकते हैं। जस्ट लाइक दैट कुछ फास्ट मूवमेंट होते हैं, किसी का स्लो मूवमेंट होता है। एंड जो भी वैग्रेंट वेंथोस होते हैं ये केवल और केवल एनिमल्स के थ्रू दिखाए जाते हैं, ये क्योंकि जो भी प्लांट्स होते हैं प्लांट्स जनरली मूव नहीं करते हैं। और प्लांट्स बहुत ही देर आर सम प्लांट्स, कुछ हैं ऐसे जो मूव करते हैं बट वेरी फ्यू, नेग्लेजिबल। सो दे आर शोन बाय ओनली एनिमल्स। नाउ अब ये जो एनिमल्स हैं इनको भी डिवाइड किया जा सकता है जूबेंथोस, जैसा कि हमने देखा था प्लांकटन्स के बारे में, फाइटो प्लांकटन्स एंड जू प्लांकटन्स। फाइटो मीन्स पेड़ पौधे, फ्लोरा, एंड जू प्लांकटन्स मीन्स एनिमल्स विच आर प्लांकटोनिक इन नेचर। ठीक वैसे ही यहाँ पर बेंथोस में आते हैं जू बेंथोस, यानी कि एनिमल्स विच आर बेंथिक इन नेचर। सो इनके एग्जाम्पल में यू हैव द फोरामिनीफेरा, आर्थ्रोपोड्स, इग्नोडर्मा एंड सैंड डॉलर्स। फोरामिनीफेरा यहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में प्लांकटन्स में भी बात की थी, एंड यहाँ पर बेंथोस में भी इनको डिस्कस करेंगे। सो दीज आर द लेस देन अ मिलीमीटर इन साइज, जैसा कि हमने पहले ही बता चुके हैं कि जो भी फोरामिनीफेरा होते हैं वो माइक्रो स्केल होते हैं और काफ़ी कम साइज होती है। इनको मोस्टली ये माइक्रोस्कोप में ही डिटेक्ट किए जा सकते हैं। देन दे हैव डिफरेंट इन शेप्स, मोस्ट ऑफ देम आर मल्टी चैम्बर, इनमें कई सारे चैम्बर्स होते हैं। जस्ट लाइक यू हैव द वन चैम्बर, अनदर चैम्बर, अनदर चैम्बर। सो इस तरीके से ये मल्टी चैम्बर्ड होते हैं। देन यू हैव द आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स आर कोलर्स एंड लोबस्टर्स, दीज आर द लार्जेस्ट फास्टेस्ट वर्जेंट बेंथोस। तो ये क्या होते हैं, ये सबसे बड़े होते हैं और ये बहुत ही फास्ट मूवमेंट करते हैं। दे ऑल्सो हैव सम स्विमिंग एबिलिटी, ये स्विमिंग एबिलिटी भी होती है। मीन्स ये सब स्टेटम से अटैच, कभी कभी ये अटैच नहीं होते हैं और ये ओनली ऑन इन द वाटर में मूव कर सकते हैं। बट ये नेक्टन्स में नहीं आएंगे क्योंकि ये इनकी जो स्विमिंग पावर होती है ये कुछ ज़्यादा हाइट तक नहीं रहती है। ये ऑलमोस्ट काफ़ी नियर टू द स्टेटम, नियर टू द सैंड पार्टिकल्स के अराउंड ही ये मूव करते हैं। देन यू हैव द इक्नोडर्मा, इक्नोडर्माज हैव न्यूमरस अपेंडिक्स इन द फॉर्म ऑफ सकरफिट्स और स्पाइंस दैट आर यूज टू लोकोमोशन। तो इसमें भी लोकोमोटरी सिस्टम होता है। देन यू हैव द सैंड डॉलर्स, दीज हैव द पुअरेस्ट एबिलिटी मोबिलिटी। तो यहाँ पर हमने देखा पुअरेस्ट मोबिलिटी इज शोन बाय सैंड डॉलर्स एंड फास्टेस्ट इज शोन बाय द आर्थ्रोपोड्स। सो इट्स ऑल अबाउट फॉर बेंथोस। बेंथोस के और भी अदर क्लासिफिकेशन हैं, आप अगर चाहें तो उनको देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ दो क्लासिफिकेशन एंड सम जू बेंथोस को डिस्कस किया हुआ है। सो इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। एंड नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्टम्स के बारे में, एंड देन क्विक रिविजन या फिर क्विक कंपेरिजन ऑफ ऑल दीज प्लांकटन्स, नेक्टन्स एंड बेंथोस। थैंक यू।